भोपाल में ऑनलाइन ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड पुलिस अफसर से बदमाश ने आसानी से 35 लाख रुपए झटक लिए। ठग ने उन्हें पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट दिलाने में मदद करने और म्यूचुअल फंड में निवेश पर बेहतर रिटर्न का झांसा दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने पहले 5500 रुपए फीस की मांग की, जिसके बाद उन्हें जीएसटी शुल्क, बैंक शुल्क, एनओसी शुल्क और अन्य खर्च की आड़ में ज्यादा राशि ट्रांसफर करने के लिए राजी किया। ठग ने म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी राशि के निवेश पर बेहतर रिटर्न का भी वादा किया, लेकिन अब उन्हें पता चला है कि यह पैसा बीमा कंपनी के पास नहीं है बल्कि साइबर अपराधियों के पास जा रहा है, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि उनके बेटे के साथ किसी ने खासतौर पर साइबर फ्रॉड किया है, जिसमें कुल 35 लाख रुपए उनके द्वारा ठगे गए हैं। उस बारे में पुलिस ने थाने में एक हबीबगंज थाने में उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है और खासतौर पर पूरी टीम उसकी एक जांच कर रही है, और साथ ही साथ उन्हें कुछ स्थानीय सतर्कता संबंधी पुलिस ने कुछ सुझाव भी दिए। बहरहाल इसमें आरोपियों की शिनाख्ती के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।